अपनी खलनायक वाली भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेता राहुल देव कई फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। हालांकि साल 2009 में अपनी पत्नी के निधन के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इसके चार साल बाद जब उनका बेटा कॉलेज गया तो अभिनेता ने बीटाउन फिर लौटने का फैसला किया, लेकिन वापसी करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। ऐसे में अपनी वापसी के लिए उन्होंने बिग बॉस 10 में प्रतियोगी बनने का फैसला और बॉलीवुड में अपनी वापसी को चिन्हित किया। अब हाल ही में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उनके पास बिग बॉस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उन्हें बिग बॉस का प्रस्ताव मिला था तब वह बेरोजगार थे। अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा कि इतना काम करने के बावजूद मुझे बिग बॉस करना पड़ा। मैं बिग बॉस 10 में प्रतिभागी था क्योंकि मेरे लिए कोई काम नहीं था। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा क्योंकि हमारी फील्ड में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं और 4.5 साल एक लंबा समय होता है। इस दौरान राहुल ने इंडस्ट्री के अपने कुछ दोस्तों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मेरी मदद करने के लिए संपर्क किया। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति है जिसे मैं जिम्मेदार मानता हूँ तो वह केवल मेरे गुरु हैं। अगर उन्होंने मुझे वापस जाने के लिए नहीं कहा होता तो मेरा यहाँ वापस आना होता ही नहीं। उन्होंने अतुल कसबेकर को उन्हें अपार समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया।